आपके जमीन सर्वे होगा तो आपके पास डाटा है, आपके पास कागज है, पूछिए जाके, उनके पास दलित के पास कागज ना है, पूछ लीजिए जाके। हम तो बता तौर पर समझ लीजिए, ये जमीन का सर्वे नहीं हो रहा है, ये दलितों को यहाँ से प्लान करवाया जाएगा, दलितों को यहाँ से भगाया जाएगा, इनको घर से बेघर किया जाएगा। इतना जान लीजिए कि जमीन सर्वे के आड़ में दलितों को इस प्रदेश से भगाने का बड़ा प्लान है। बात जो जमीन सरकारी है, जो जमीन हमारी है, पहले तो सरकारें खुद बोला कि 3 दिन दे रहे हैं, हम 5 दिन से जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मिला है, कितने लोगों को मिला जाके पता करिए। अब ये परिस्थिति में दलित समाज सोया हुआ है, किसी के भरोसे पर है कि सरकार कुछ बना के देगा, कोई आएंगे हमारे लिए लड़ेंगे, ये भ्रम में है अपने दलित समाज के लोग। अचानक से आया सरकार का कोई पॉलिसी आई और इनके घर उजाड़ दिया जाएगा। अभी साफ तौर पर समझ लीजिए, दलित समाज को एकजुट होके, पार्टी संगठन को एकजुट होके रोड पे आना चाहिए, रोड पे आने की जरूरत है और लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ये सरकार के 3 दिन जमीन देंगे, 5 दिन जमीन देंगे तो पहले क्यों नहीं दे देते, पहले पर्चा क्यों नहीं बंटवा देते, उसके बाद आप जमीन सर्वे करवाइए, लोगों के पास पर्चा होगा। तब से ज्यादा इसमें अगर किसी समाज को नुकसान है, किसी लोगों का नुकसान है, तो वो दलित समाज के लोगों का नुकसान है सबसे ज्यादा। नेता तो बहुत सारे नेता है जो चुप है, चुप है। इन लोग का सत्ता की मलाई चाटने के वास्ते सर्वे जा रहा है पूछने के लिए, वहाँ पे जमीन का मामले में कई लोग का हत्या हो जा रहा है। बताइए, इस सर्वे हो रहा है कि आप हत्या करवा रहे हैं भाई भाई में। कई सर्वे से पहले आप तो इस समाज की स्थिति समझ लीजिए, लोगों की स्थिति समझ लीजिए कि लोगों में क्या परेशानी है, उनकी सारी चीजों उनके डाटा तो बना के दे दीजिए। नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। देखिए कि अभी हम नालंदा जिला में मौजूद हैं और हमारे साथ देखिए कि बादल जी हैं, जो निजा एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। इनसे मैं बात करूंगा कि आज पूरे बिहार में देखिए कि जमीन सर्वे का काम चालू है और जमीन सर्वे में तमाम दुविधा लोगों को सामना करना पड़ रहा है, दुविधा का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनसे मैं मिलाने की कोशिश करूंगा कि जमीन सर्वे पर इनका क्या विचार है, जमीन सर्वे में कैसे दलितों को किस प्रकार से, कैसे लोगों को किस प्रकार से देखिए कि उलझाने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले जमीन सर्वे के बारे में तो आप जानते होंगे सर। जमीन सर्वे के बारे में हम जानते इतना है कि जमीन सर्वे नहीं, ये दलितों को यहाँ से इस प्रदेश से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे बोल रहे हैं इतना बड़ा बड़ा, हम एक बड़ा सवाल हम बता रहे हैं आपको। ये दलितों, आप जाके दलित बस्ती में जाके उन लोगों से जाके पूछिए कि आपके जमीन सर्वे होगा तो आपके पास डाटा है, आपके पास कागज है, पूछिए जाके, उनके पास दलित के पास कागज ना है, पूछ लीजिए जाके। हम तो बता रहे हैं कि जिसके पास कागज नहीं होगा, तो वही बता रहे हैं कि जिसके पास कागज नहीं है और जिसके पास कोई डाटा नहीं है, बताइए। ये साफ तौर पर समझ लीजिए, ये जमीन का सर्वे नहीं हो रहा है, ये दलितों को यहाँ से प्लान करवाया जाएगा, दलितों को यहाँ से भगाया जाएगा, इनको घर से बेघर किया जाएगा, और जब इनके घर से बेघर होंगे, रात व्यार होगा, तो ऐसे ही गुंडे मवाली दलितों के घर की बहन बेटी पर उनकी नजर जो होता है, गलत निगाह होता है, और एक मौका और मिल जाएगा उनके साथ में गलत किया जाएगा। क्या समझे, बस इतना जान लीजिए कि जमीन सर्वे के आड़ में दलितों को इस प्रदेश से भगाने का बड़ा प्लान है सरकार का। दलित तो वही बता रहे हैं कि बताइए, अच्छा बताइए कि दलितों के पास अभी तक जमीन के मामले में बता दे कि शून्य मान लीजिए, 0.0 भी माना जाए ना तो बहुत कम है, जमीन है ही नहीं उसके पास। दलित के नेता ही कहे थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो बात जो जमीन सरकारी है, जो जमीन हमारी है, पहले तो सरकारें खुद बोला कि 3 दिन दे रहे हैं, 5 दिन जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मिला है, कितने लोगों को मिला जाके पता करिए आप। अच्छा, कितने लोग को मिला जाके पता कर लीजिए। अरे भाई, अब तो वो लोग दुविधा में, इस परेशानी में है कि उनके पास जो जहाँ रह रहे हैं, अगर मजरुआ में रहे तो सरकार उनको हटाएगा, अगर मलकाना में रहे तो वो जिनके जमीन थे वो जिन्होंने दिया वो हटा देंगे। तो बताइए, इस समय ये परिस्थिति में दलित समाज सोया हुआ है, किसी के भरोसे पर है कि सरकार कुछ बना के देगा, कोई आएंगे हमारे लिए लड़ेंगे, ये भ्रम में है अपने दलित समाज के लोग, ये बहुत भ्रम में है ये समाज भ्रम में है। ये पता चलेगा कि कहीं की अचानक से आया सरकार का कोई पॉलिसी आई और इनके घर उजाड़ दिया जाएगा। अभी साफ तौर पर समझ लीजिए, दलित समाज को एकजुट होके, पार्टी संगठन को एकजुट होके रोड पे आना चाहिए, रोड पे आने की जरूरत है और लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उनके 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 पास कुछ रहने के लिए नहीं बचा है, जब जमीनें नहीं है
तो वो रहेंगे कहाँ। अब पहली बात ये समझ लीजिए कि क्या देश देश की लड़ाई लड़ने के लिए दलित दलित समाज के लोग नहीं थे क्या? क्या देश देश में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ाई हो रही थी तो दलित समाज के लोग नहीं गए थे क्या? उनके पास जमीन क्यों नहीं है बताइए, उनके पास जमीन आखिर क्यों नहीं है? वो कहाँ वो इस देश का नागरिक है कि नहीं है? उसी समय से फॉल्ट हुआ है, उसी समय से फॉल्ट क्या, उसी समय से उन लोगों को जमीन से अलग कर दिया गया, उन लोगों को इस तरह से सताया गया, इन लोगों से इस तरह से मारा पिटा गया कि उनके उनके पास जरा सा भी जमीन रहने के लिए नहीं है। अब समझिए जरा सा कि रहने के लिए खेती बाड़ी लोग दूसरे दूसरे में जा करते हैं तो अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, अब सरकार जमीन सर्वे करवा के उनको प्लान करवा रहे हैं, वहाँ से भगाएंगे लोगों को, घर से बेघर करवाएंगे। ये सरकार के 3 डिसमिल जमीन देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे तो पहले क्यों नहीं दे देते, पहले पर्चा क्यों नहीं बंटवा देते, उसके बाद आप जमीन सर्वे करवाइए, लोगों के पास पर्चा होगा, अपने अपने दिखा देगा, पर्चा दिखा देगा, दिखाएगा। लेकिन सरकार ऐसे जमीन सर्वे करवा रहा है, वो अब उसको रहने के लिए जगह नहीं दे रहा। जब सबसे ज्यादा इसमें अगर किसी समाज को नुकसान है, किसी लोगों का नुकसान है, तो वो दलित समाज के लोगों का नुकसान है सबसे ज्यादा। नेता तो बहुत सारे नेता है जो चुप है, चुप है, इन लोगों का सत्ता की मलाई चाटने की आदत है, चाटने की आदत है। अब मालूम अभी अच्छा बताइए किन के वोट से फिर राजनीति करेंगे? इन लोग बेशर्मी पुत्र आए, इन लोग बेशर्मी की हदें पार कर दिया लोग, अब सड़क पर नहीं उतरेंगे, इस तरह सर्वे नहीं हो रहा है। इन भाई भाई में देख लीजिए, आप वीडियो देख लीजिए कि किसी भाई हाँ देख लीजिए ना, सर्वे जा रहा है पूछने के लिए, वहाँ पे जमीन का मामले में कई लोग हत्या हो जा रहा है। बताइए इस सर्वे हो रहा है कि आप हत्या करवा रहे हैं, ये दलितों के लिए खतरा है, ये खास करके ये जमीन सर्वे नहीं है, दलितों के लिए खतरा सर्वे हो रहा है, दलितों के हत्या, दलितों को प्लान करने का सर्वे हो रहा है। इसमें कई माफिया जो है, भू माफिया है, जो गुंडे लोग हैं, उन लोगों को दाल गलेगा कि दलितों को अब मारा जाए, ऐसे तो दलितों को देखना नहीं चाहता। पूरे बिहार में देख लीजिए, सरकार फिर से साजिश कर रही है पिटवाने, अरे साजिश कर रही है मरवाने का, साजिश कर रही है उसको यहाँ से प्लान करवाने का। अगर सरकार के पास इस तरह की कोई पॉलिसी है, सर्वे करवा रहे हैं, तो सबसे पहले सरकार को करना चाहिए कि पर्चा देना चाहिए उस जमीन का, सीधा सीधी पर्चा देना चाहिए, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। वो कहाँ से जलाएंगे, वो कहाँ से 100 साल 2 सालों से उस जमीन पर रह रहे हैं, अब जो जिस मलकाना में जमीन रह रहे हैं उनके वो रसीद वो कटवा रहा है, उनको जमीन का कागज कौन देगा? देगा कोई? बताइए कोई मालिक देगा उसको जमीन का कागज? अब ऐसी महंगाई है कि कोई जमीन जनी एक बित्ता जमीन देना चाहता है, और ये प्लान पूरा प्लॉट दे देंगे, कैसे दे देंगे प्लॉट? एक एक बस्ती पूरा बसा हुआ है दूसरे में, अगर मजरुआ में पैसा होता है, अगर मजरुआ भी आप सरकार ले रही है, बताइए किस में जाके दलित समाज के लोग रहेगा? ये स्थिति है, इस पर किसी का ट्यूट नहीं है, जमीन सर्वे पे किसी का ट्यूट नहीं है। कोई नेता का देख लीजिए, चाहे हम तो कहते हैं बिहार में कि चंद्रशेखर आजाद, रावण का भी ट्यूट नहीं है कि बिहार में जमीन सर्वे होगा, दलित समाज की क्या स्थिति होगी, क्या दशा है उन लोगों की, ये उनको भी कोई ध्यान नहीं है, बहन कुमारी मायावती जी को कोई ध्यान नहीं है, चिराग पासवान को कोई ध्यान नहीं है, मांझी जी को कोई ध्यान नहीं है कि दलित समाज की क्या स्थिति होगी बिहार में दलितों की क्या स्थिति है, ये सबको मालूम है। क्या करे दलित, क्या अगर दलित को यह करना चाहिए कि अभी जितना जल्दी हो सके आप सड़क पे आइए और सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दीजिए और सरकार को घुटने टिकवा दीजिए और बताइए कि पहले हमारा कागजात दो, तो पहले हमारा पर्चा दो, पहले हमारा जमीन दो, फिर हमारा घर बना के दो, तब जाके तुम सर्वे करवाओ। सर्वे तो आप लोग ने साफ तौर पर सुने कि बादल जी क्या कुछ बोले कि दलितों के देखे कि किस प्रकार से यहाँ से पलायन कराने की कोशिश बिहार सरकार के द्वारा कराई जा रही है, और देखे कि यह सर्वे नहीं दलितों को और जो पिछड़े लोग हैं जिनके पास जमीन न है उन्हें देखिए कि घर से बेदखल कराने की या साजिश की जा रही है। बहरहाल आपका क्या इस जमीन सर्वे पर प्रतिक्रिया है और बादल जी के प्रतिक्रिया के प्रति आपका क्या प्रतिक्रिया है? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।